आज की इस वीडियो के अंदर गाइस आपको दिखाएंगे 1,15,000 रुपए का काफी कमाल का गेमिंग पीसी बिल्ड। बात करेंगे सभी कंपोनेंट्स के बारे में, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। हेलो गाइस, मेरा नाम है सारदन, वेलकम बैक टू मॉडेक्स कंप्यूटर्स। 1,15,000 रुपए का पीसी बिल्ड है, तो इस पीसी बिल्ड को ऑर्डर करवा रहे जय कुमार भाई ने, जो कि रहने वाले हैं बिहार के, तो वहीं पर जो हम लोग इस पीसी को शिप करने वाले। कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आपको भी ऐसे कोई कमाल का पीसी बिल्ड करवाना हो तो स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर देखने को मिल जाएगा 7011805001। इस नंबर पर आप लोग जो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बाकी आपको एडिशनल एक दूसरा नंबर भी प्रोवाइड करा देते हैं 9403890290। इस नंबर के ऊपर भी आप लोग जो कॉल कर सकते हो, लेकिन आप जो है व्हाट्सएप सिर्फ 7011 वाले नंबर के ऊपर कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। इंटेल के लेटेस्ट 13 जेन के ऊपर बेस 13600K प्रोसेसर का यहां पर यूज करा गया है। 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स आपको इस सीपीयू के साथ में यहां पर देखने को मिल जाते हैं। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इस सीपीयू के साथ मिल जाती है, क्योंकि लेटेस्ट भाई 13 जेन के साथ में आ जाता है। तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस हो या फिर मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस हो, तो भाई 14 कोर 20 थ्रेड का सीपीयू है, तो आपको इन सभी वर्कलोड के हिसाब से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको यहां पर मिल जाती है। बाकी के सीरीज का सीपीयू तो अलग से एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर या फिर लिक्विड कूलर यूज करना होता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर जो एमएसआई की तरफ से उनका मैक कोर लिक्विड 240R V2 लिक्विड कूलर का यहां पर यूज करा है। 240M का है, एमएसआई की तरफ से आ जाता है। देखने में भी भाई काफी खूबसूरत लगता है, यहाँ पर देख सकते हो आप इनके सीपीयू ब्लॉक में यहाँ पर आपको ड्रैगन वाला जो लोगो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, देखने में काफी जबरदस्त लगता है। मदरबोर्ड के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों ने 13600K के साथ में यहाँ पर पेयर करा है एसुस की तरफ से उनका टफ गेमिंग B760M प्लस वाईफाई D4 मदरबोर्ड। वाईफाई एंड ब्लूटूथ आपको दोनों इस मदरबोर्ड के साथ में देखने को मिल जाता है, एंड DDR4 RAM को यहाँ पर सपोर्ट करता है। बाकी VRM सेक्शन भी आपको काफी बढ़िया मिलता है, जो कि हमारे 13600K प्रोसेसर को अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंडल कर लेता है। हालांकि K सीरीज का CPU थोड़ा अगर आप कोशिश कर सकते हो तो Z सीरीज के मदरबोर्ड के साथ में जाया करो, देन आप जो है इसके ओवरक्लॉकिंग जो कैपेबिलिटीज है उसका भी फायदा यहां पर उठा पाओगे। वरना सेम कोर थ्रेड काउंट में तो फिर इनका 13500 भी आ जाता है, आप उसको भी यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो एक थोड़ी सी ये छोटी सी बात थी, ठीक है। बाकी इसके अलावा बात करें यहाँ पर हमारी रैम के बारे में, तो रैम टोटल हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के साथ में जो यहाँ पर यूज करी है वो आ जाती है भाई 16GB 8GB की दो स्टिक्स। कॉर्सेयर की तरफ से उनकी वेंजेंस LPX 3200 MHz के ऊपर क्लॉक रेट टोटल हो जाएगी 16GB, परफेक्ट हर एक वर्कलोड के हिसाब से इतनी तो भाई लगा होगी। अब 1,00,000 के ऊपर पीसी बिल्ड कर रहे हो तो भाई 16GB तो मिनिमम लगा होगी ना, चाहे आपका कुछ भी वर्कलोड हो, आपको गेमिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो या फिर एडिटिंग करनी हो। अब उस कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं जो कि एक्चुअली हमको गेमिंग करा के देगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका ASUS की तरफ से उनका RX 6700 XT ग्राफिक्स कार्ड, जो कि बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर उनकी डुअल सीरीज के अंदर आ जाता है। एंड 6700 XT ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जो कि आपको काफी बढ़िया गेमिंग यहाँ पर करा के देगा। 3060 Ti से थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस देता है, लगभग आप 3070 के आसपास में जो इसकी परफॉर्मेंस मान सकते हो। एंड जब से प्राइसिंग ड्रॉप हुई है तो भाई इसकी तो भाई प्राइस काफी बढ़िया हो गई है, यहाँ पर समवेयर अराउंड आपको जो है 34-35,000 इसी के आसपास में जो आपको इसकी प्राइसिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड काफी बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है, गेमिंग काफी शानदार कराए, और लुक्स भी देख सकते हो आप इस ग्राफिक्स कार्ड के, हमको जो है यहाँ पर काफी मोटी हीट सिंक, काफी अच्छे खासे लुक्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ASUS की ब्रांडिंग मिल जाती है, LED स्ट्रिप आपको यहाँ पर मिल जाती है, फुल साइज आपको बैक प्लेट मिलती है, तो देखने में भी काफी बढ़िया लगता है। स्टोरेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पर SSD का यूज करा, XPG की तरफ से उनकी S70 ब्लेड 1TB की Gen 4 M.2 NVMe SSD का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा, ताकि Gen 4 की जो स्पीड्स है उसका फायदा हम यहाँ पर उठा पाए। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई यूज करेगी, पावर सप्लाई हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी डीपकूल की तरफ से उनकी PM750D, जो कि परफेक्ट रहेगी इस पीसी बिल्ड के हिसाब से 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में यहाँ पर आ जाती है। बढ़ते हैं यहाँ पर हमारी कैबिनेट की तरफ, तो कैबिनेट में जो है उतना ज्यादा खर्चा नहीं करा है हमारे भाई ने यहाँ पर, तो यहाँ पर यूज करेंगे गैलेक्स की तरफ से उनकी रेवोल्यूशन 05 कैबिनेट। इसमें आपको जो है टोटल 4 ARGB फैंस मिल जाते हैं, LED फैंस, मतलब ARGB जैसे लगते हैं पर ये LED जैसी स्टैटिक इसकी अभी जल रही है ना, ये ऐसी जलता रहता है। 3 फ्रंट में मिल जाते हैं, 1 रियर में आपको मिल जाता है, तो टोटल 4 फैन मिल जाते हैं। हालांकि ये है कि मतलब 3,500 रुपये के आसपास में आती है, तो उसमें ये है कि आपको टोटल 4 फैन मिल जाते हैं, तो उससे एयर फ्लो अच्छा बना रहता है कैबिनेट के अंदर। बस हाँ ये है कि आप जो इसको सिंक करके इसके कलर्स को चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर, बस स्टैटिक LED आपको यही इसके साथ में देखने को मिलती है। बाकी व्हाइट कलर की कैबिनेट है, तो कुछ इस तरीके का लुक अब पूरे पीसी बिल्ड से यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। बस तो यही था हमारा पूरा 1.15 लाख रुपीज का पीसी बिल्ड, 1,15,000 रुपए का। आपको कैसा लगा हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। बाकी आपको भी ऐसी कोई कमाल का पीसी बिल्ड करवाना हो तो स्क्रीन पर फिर से बताता हूँ, आपको नंबर देखने को मिल जाएगा 7011805001।
इस नंबर पर आप लोग जो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 तक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सेकेंडरी नंबर है हमारा 9403890290। बाकी जो हमारा ऑफलाइन स्टोर है उसकी जो गूगल लोकेशन लिंक है, सब कुछ एड्रेस वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे ऐसे और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी वर्ल्ड के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।